उत्तरकाशी में तनाव के बीच तेजी से पलायन कर रहे मुस्लिम बीजेपी नेता ने भी परिवार सहित छोड़ा शहर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हर दिन गुजरने के साथ सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बिगड़ती जा रही है। नाबालिग हिंदू लड़कियों के कथित अपहरण की कोशिश की घटना के बाद कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। 15 जून तक विशेष समुदाय के लोगों को शहर से मकान और दुकान खाली कर जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसके बाद तेजी से पलायन शुरू हो गया है। इसी बीच बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने भी अपने पूरे परिवार के साथ शहर छोड़ दिया है। बता दें कि वो इस शहर में पिछले 25 साल से रह रहे थे। मोहम्मद जाहिद अपनी दुकान का सारा सामान उठाकर परिवार के साथ देहरादून चले गए हैं। बुधवार रात को उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दुकान का सारा सामान खाली कर लिया था। केवल बीजेपी नेता ने ही अपनी दुकान नहीं खाली की, बल्कि उनके साथ 6 अन्य लोगों ने भी अपनी दुकानें खाली कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोहम्मद जाहिद के परिवार का कहना है कि अगर शहर का माहौल खराब होता है तो उसका भुगतान सभी को करना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं चाहते। उनकी पत्नी का कहना है कि उनके परिवार के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, उन्होंने अपनी इच्छा से दुकान खाली की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने यहाँ का माहौल खराब कर दिया है, जिसका खामियाजा उन्हें भी झेलना पड़ रहा है। देवभूमि रक्षा अभियान के बैनर तले चेतावनी दी गई है कि मुसलमान 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकान खाली कर शहर छोड़कर चले जाएं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आ रही इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर जनता की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक शख्स ने इस मामले में एक लंबा पोस्ट लिखा, भाजपा ने देश का माहौल बहुत गंदा कर दिया, जिसका खामियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। कल को नफरत फैलाने वाले संघी भी रोएंगे। रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, कण कण में राम का वास है। भगवान राम शबरी से कहते हैं, जगत भर राम मय देखना मेरी शक्ति है। मतलब मुसलमानों में भी राम का वास है। अगर तुम मुसलमानों से नफरत कर रहे हो तो राम से नफरत कर रहे हो। दूसरी बात, 1984 दंगों के बाद सिख समाज समझ चुका था इस देश में वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए सिख समाज ने पलायन शुरू किया। अधिकतर सिख भाई पंजाब में जा बसे और कुछ अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में, और खूब पढ़ लिख कर अपने आप को ताकतवर बनाया। जबकि इसके विपरीत 1992 और 2002 दंगों के बाद मुसलमानों को समझ नहीं आई, मुसलमानों को भी पलायन करना था, 2-3 बड़े बड़े राज्यों में जाकर बस जाना था, विदेशी देशों में अपनी जगह बनानी थी, पढ़ लिख कर अपने आप को खूब ताकतवर बनाना था, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा आज भी मुसलमान भुगत रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। इसीलिए दलित समाज ने शिक्षा को अपना हथियार बना लिया और खूब तरक्की की। एक और शख्स ने लिखा, नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा, केवल राजनीतिक दलों को फायदा है, रोज कमाने वाला मारा जाएगा। श्रेयस पांडे नाम के एक ट्विटर यूजर ने पूछा, बिल्कुल सही किया, जब मक्का में किसी और की एंट्री नहीं है तो देवभूमि में क्यों? एक और ने लिखा, उत्तराखंड के मुसलमानों से दुकान खाली करवाने की धमकी दी जा रही है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, गोदी भ्रष्ट मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कॉमेंट में जरूर बताए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें।